फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लानवीर कीरू। आज हम पढ़ेंगे डबल एंट्री सिस्टम के बारे में। ये अकाउंटिंग का एक टॉपिक है। डबल एंट्री सिस्टम मतलब जहाँ पे दो अकाउंट अफेक्ट होते हैं, जहाँ पे डबल एंट्री होती है किसी भी ट्रांजैक्शन। यहाँ पे देखिए दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। कैसे? देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, मनी की हो या मनी के अलावा कुछ भी हो, उसके है ना दो इफेक्ट होते हैं। एक साइड तो आप रिसीव करते हो, एक साइड कोई वैल्यू हम दूसरे को देते हैं। ठीक है, तो मतलब टू फोल्ड नेचर होता है। जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिनको हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, ये यही किसको राइज देता है? डबल एंट्री बुक कीपिंग को। ठीक है, जो डबल एंट्री सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, साइंटिफिक और एक कंप्लीट सिस्टम है जो भी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उनको रिकॉर्ड करने का। जो रूल्स है ना रिकॉर्ड करने के ट्रांजेक्शन्स को, वो बिल्कुल डेफिनेट है, क्लियर है। ठीक है, तो यही बताया गया है। इस सिस्टम में दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं हर बिजनेस ट्रांजेक्शन के। एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा। ठीक है, इस सिस्टम में मतलब हमें एक्यूरेसी वगैरह चेक करने में हेल्प करता है, क्योंकि जर्नल की हेल्प से हम क्या बना लेते हैं? लेजर का, तो लेजर की हेल्प से हम ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। और ट्रायल बैलेंस हमें क्या बताता है? एक्यूरेसी के बारे में बताता है। ठीक है, और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम बैलेंस शीट एंड पीएनएल बना लेते हैं, जो हमें बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है। ठीक है, तो एक बुक थी डबल एंट्री सिस्टम पे, जिसको जो फर्स्ट ऑफ ऑल रिटर्न की गई थी 1494 में लुका पैसिओली के द्वारा, जो एक रेजिडेंट था वेनाइस इन इटली का। ठीक है, तो ये जो बुक थी ना, इसमें ओल्ड सिस्टम था, कम्प्लीटली उसको रिवाइज किया गया। आप ठीक है, और जो यूज़ हो परचेज बुक, सेल्स बुक, प्रेजेंटेशन और ट्रायल बैलेंस, ये सब डिस्कस किया गया था। ठीक है, अब बात आती है डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग। तो जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो कम से कम दो अकाउंट को अफेक्ट करते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो अमाउंट होगी डेबिट क्रेडिट में वो सेम होगी। जैसे कि फर्नीचर परचेज किया बिजनेस में, ठीक है, तो फर्नीचर बढ़ा लेकिन कैश घट गया। तो यहाँ पे कोई देरी कैन बी नो ट्रांजेक्शन इन बिजनेस विच अफेक्ट ओनली वन अकाउंट। ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होगी बिजनेस में जो सिर्फ एक अकाउंट को अफेक्ट करे या एक एस्पेक्ट को लेकर चले। तो जो बहुत एस्पेक्ट होते हैं ना हर ट्रांजेक्शन की, वो रिकॉर्ड की जाते हैं इस सिस्टम में। ठीक है, तो जो डबल एंट्री है ना, डज नॉट मीन, उसका ये मतलब नहीं है कि जो ट्रांजेक्शन है वो दो बार रिकॉर्ड होंगे। इसका ये मतलब है कम से कम दो अकाउंट अफेक्ट करेगी एक ट्रांजेक्शन। ठीक है, एक अकाउंट अगर रिसीव करे बेनिफिट तो दूसरे में वो बेनिफिट दे रही होगी। तो यही सब इसमें बताया कि जो पर्सन होता है अकाउंट रिसीव करता है बेनिफिट, उसको डेबिट कर देंगे, और जो बेनिफिट देता है उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, जैसे कि मोहन ने, मोहन से 5000 रुपये मिले तो हम क्या करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, क्योंकि किससे मिले हमें? मोहन से मिले, तो मोहन को ही हमने क्रेडिट कर दिया। और क्या मिला? कैश, तो कैश को डेबिट कर दिया। तो इसमें यही बताया गया, डबल एंट्री सिस्टम की डेफिनेशन दी गई है, जो रिकॉर्ड करता है ट्रांजेक्शन को मनी में और मनी वर्थ में डबल एस्पेक्ट्स में, मतलब टू फोल्ड अफेक्ट रखता है। इसके प्रिंसिपल और करेक्टरिटीज़ की बात करें, मतलब फीचर्स की बात करें, तो यही बता रहा है डबल एंट्री सिस्टम बेस्ड प्रिंसिपल पे एवरी डेबिट हैज़ ए क्रेडिट एंड एवरी क्रेडिट हैज़ ए डेबिट। जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं उसके दो अकाउंट अफेक्ट होते हैं, उससे हर बिजनेस ट्रांजेक्शन के इनको टू फोल्ड अफेक्ट है। अगर ये दो अकाउंट को एक साथ अफेक्ट करती है, एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा। ठीक है, दो से भी ज़्यादा अकाउंट हो सकता है, लेकिन जो सम होता है डेबिट क्रेडिट का, वो हमेशा इक्वल होता है। रिकॉर्डिंग बहुत पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट्स, कहता है कि जो दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करके चलता है, चाहे पर्सनल हो चाहे इम्पर्सनल हो, एक ट्रांजेक्शन्स में डबल एंट्री में ये पॉसिबल है कि जो दोनों के दोनों एस्पेक्ट्स होंगे ट्रांजेक्शन की, वो पर्सनल हो सकते हैं या दोनों इम्पर्सनल हो सकते हैं, या एक पर्सनल और एक इम्पर्सनल हो सकती है। रिकॉर्डिंग की जाती है कुछ स्पेसिफाइड रूल्स के अकॉर्डिंग। जो डबल एंट्री सिस्टम होता है उसमें एक अकाउंट डेबिट होता है, दूसरा क्रेडिट होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक अकाउंट है ना वो डेबिट हो रहा है, दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब ये होता है। तो यही बता रखा है कि मतलब इसका मतलब ये है कि जो भी डेबिट क्रेडिट होगा वो रूल्स के अकॉर्डिंग होगा, हमें रूल्स को ध्यान में रखें उनको डेबिट क्रेडिट करना है, जो रियल नॉमिनल पर्सनल हम पढ़ते हैं। फिर प्रिपरेशन और ट्रायल बैलेंस, जब एक अकाउंट डेबिट होता है दूसरा क्रेडिट होता है, तो अगर टोटल जो डेबिट बैलेंस को इक्वल है टोटल क्रेडिट के, तो मतलब अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है, हमारे अकाउंट सही है। क्लासिफिकेशन अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल, इम्पर्सनल में रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट जो किसी भी इंडिविजुअल का, फर्म का, कंपनी का, इंस्टीट्यूशन का हो सकता है, उसे पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि रामचंद्र कृष्ण चंद्र का अकाउंट, DCM लिमिटेड का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये सब। रूल यही है कि इसमें डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। एक अकाउंट में डेबिट होगा वो पर्सन जो कुछ रिसीव कर रहा है, और क्रेडिट होगा वो जो कुछ दे रहा है। जैसे 20,000 हरी को पे किया तो हरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हमें मोहन से 10,000 मिले तो कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। ऑब्जेक्टिव यही है कि एसरटेन करना कि कितने अमाउंट एक पर्सनल अकाउंट में है, बिजनेस को भी करता है। फिर टाइप्स है पर्सनल अकाउंट के, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट में ये बता रखा है कि जो अकाउंट्स होते हैं नेचुरल पर्सन के, उसमें आते हैं ह्यूमन बींग, मोहन, सोहन, ये सब। और आर्टिफिशियल में जो एक्चुअल में ह्यूमन बींग्स नहीं है,
बट यहाँ पे कंपनी वगैरह आ जाती है, लिमिटेड कंपनी, इंस्टीट्यूशनल अकाउंट वगैरह, बैंक अकाउंट वगैरह, जो उस पर्सन के नाम से नहीं होती बल्कि कंपनी के नाम से होता है। और रिप्रेजेंट जहाँ पे कोई भी अकाउंट हो, रिप्रेजेंट किया जाए एक पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा, एक ग्रुप ऑफ पर्सन के द्वारा, उसे बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। एग्जाम्पल के लिए इफ़ द सैलरी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर अगर वो पे ना की जाए एम्प्लॉयज़ को, तो जो अमाउंट पेबल होगी ना वो ऐड हो जाएगी या पुट की जाएगी एक कॉमन टाइटल के, लाइक अ सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट या कोई भी प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट, एक्यूड, ये सब ना हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आते हैं। रियल अकाउंट कहता है कि जो रियल अकाउंट होता है ना, ये उन चीज़ों का रिकॉर्ड होता है जो हम मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, जो प्रॉपर्टीज़ है बिजनेस की, जैसे कि रियल अकाउंट में हमारे कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, गुडविल अकाउंट वगैरह। लेकिन तो इसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये रूल ये बताता है कि बिजनेस में जो भी मिलेगा वो डेबिट हो जाएगा और जो जाएगा वो क्रेडिट। जैसे कि फर्नीचर परचेज किया 50,000 का, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि फर्नीचर है और कैश गया है। ऑब्जेक्ट यही है कि रिप्रेजेंट करना वैल्यू ऑफ अलग अलग प्रॉपर्टी जो एक बिजनेस से ऑन किए हैं मनी की फॉर्म में, ताकि फाइनेंशियल पोजिशन का पता चल सके। रियल अकाउंट को भी दो पार्ट में बांटा गया, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब ऐसे असेट्स वगैरह को लिखा जाता है इसमें जिनको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, परचेज सोल्व कर सकते हैं। लेकिन बैंक अकाउंट एक रियल अकाउंट नहीं होता, ये एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। इंटेंजिबल रियल अकाउंट, इंटेंजिबल में आते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते बट मतलब फील कर सकते हैं, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क वगैरह, ये सब हमारे इंटेंजिबल में आते हैं। फिर एंड नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट इंक्लूड करता है सारे जो भी एक्सपेंसेस हैं, इनकम्स हैं, ठीक है, जैसे सैलरी, रेंट वगैरह, डिस्काउंट वगैरह, बैड डेट्स वगैरह। इसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट इनकम एंड गेंस, ठीक है। जैसे 40,000 सैलरी के पेड की, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कमीशन मिला तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट ऐसे नाम से क्लियर है, इस मतलब एक नेम ओनली है, वैसे एक्चुअल में कोई रियल एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब एक टाइप के खर्चे को हम एक नाम से दिखा देते स्पेसिफिक। तो अमाउंट स्पेंट ऑन वेरियस हेड इन ए पर्टिकुलर पीरियड और इनकम रिसीव ऑन वेरियस हेड इन ए पर्टिकुलर पीरियड वगैरह दिखाते हैं। पर्सनल देखो नॉमिनल अकाउंट में ये सब आता है, पर्सनल में ये सब, यहाँ पे इसने एग्जाम्पल दे रखा है तो हम इनका नाम वगैरह देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें बता रखा है ये सारे पर्सनल अकाउंट में आते हैं। कैपिटल है जो हमारा मतलब ओनर लेके आता है, ड्रॉइंग्स है, बैंक है, बैंक ओवर ड्राफ्ट, डेटर, क्रेडिट है, सैलरी आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, और रियल में कैश या कोई भी एसेट्स वगैरह परचेज किए, गुडविल, पेटेंट वगैरह, ये सब आते हैं। नॉमिनल में जो भी एक्सपेंसिस वगैरह है मोस्ट ऑफ वो सब आते हैं। अब बात आती है स्टेजेस और पार्ट्स और डबल एंट्री सिस्टम, तो इसको अलग अलग तीन स्टेजेस में। ओरिजिनल रिकॉर्ड मतलब जहाँ पे हम प्राइमरी बुक में जर्नल में रिकॉर्ड करके चलते हैं। जब बिजनेस बड़ा होता है तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन भी बहुत सारी होती हैं, तो जर्नल्स को डिवाइड किया जाता है अलग अलग बुक्स में, जिन्हें सब डिवीजन ऑफ जर्नल या सब्सिडरी बुक बोलते रहते हैं, ठीक है। तो जर्नल और सब्सिडरी बुक पहली स्टेज होती है डबल एंट्री सिस्टम की, जिसको ओरिजिनल रिकॉर्ड स्टेज भी बोलते हैं। क्लासिफिकेशन, ये वो स्टेज होती है जहाँ पे सारे ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल में और सब्सिडरी बुक्स में, जिनको हम क्लासिफाई करते हैं अनदर बुक की फॉर्म में, जिसको हम लेजर बोलते हैं। इसी लेजर की हेल्प से हम ट्रायल बैलेंस वगैरह बनाते हैं, और इस ट्रायल लेजर की हेल्प से ट्रायल बैलेंस की हेल्प से P&L एंड बैलेंस शीट वगैरह बना के चलते हैं, जो हमारी हेल्प करते हैं बिजनेस की ग्रोथ में। तो यही बता रखा है ट्रायल बैलेंस बनाएंगे लेजर की हेल्प से, जिसकी हेल्प से P&L बनेगी, और बैलेंस शीट हमें फाइनेंशियल पोजिशन बताती है, और P&L हमें नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस बताता है। एडवांटेजेस क्या है डबल एंट्री सिस्टम की, मतलब क्यों पॉपुलर है ये, तो एक तो साइंटिफिक सिस्टम, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं वो एक स्पेसिफाइड रूल के अकॉर्डिंग मतलब रिकॉर्ड की जाती हैं, जो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है कंपेयर करें अगर किसी भी अदर सिस्टम से। कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन, जो डबल एंट्री सिस्टम होता है उसमें सारे जो भी अकाउंट्स होते हैं तीन पार्ट में, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, इन्हीं के अकॉर्डिंग हम जो भी अमाउंट डेबिट क्रेडिट करके चलते हैं। फिर प्रिपरेशन और ट्रायल बैलेंस, डबल एंट्री सिस्टम में जो भी अमाउंट होती हैं वो डेबिट साइड में होती हैं, और किसी कुछ अमाउंट होते हैं क्रेडिट, लेकिन इक्वल होते हैं। अगर इन दोनों का टोटल बैंक डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस हमारा इक्वल है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली एक्यूरेट है। फिर इसके हेल्प से ट्रेडिंग एंड P&L बनाते हैं, जहाँ से हमें ग्रोथ प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, लॉस वगैरह का पता चलता है। फिर हम बैलेंस शीट बनाते हैं जो हमें फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताते हैं, कितनी असेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, कितनी कैपिटल है, ठीक है। तो जो डबल एंट्री सिस्टम एक सेपरेट अकाउंट जो ओपन किया जाता है हर असेट्स के लिए एक फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि जो बैलेंस शीट होती है वो एक बिजनेस की फाइनेंशियल पिक्चर के बारे में बताती है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि ये कोई अकाउंट नहीं होता बल्कि बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होती है। और अलग अलग इन्फॉर्मेशन की हमें नॉलेज होना तो ये है कि सेल्स के अमाउंट क्या है, परचेज की क्या है, क्लोजिंग स्टॉक की क्या है, व्हाट अमाउंट इज, कितनी अमाउंट ड्यू हुई थी, कितनी रिसीव हुई है कस्टमर के लिए, ठीक है। दूसरे शब्दों में नंबर ऑफ डेटर, क्रेडिटर वगैरह, ठीक है, व्हाट अमाउंट ड्यू इट मीन वही है सप्लायर वगैरह के लिए, कितनी अमाउंट हमें पे करनी है कैश में, एक्सपेंसिस में, ठीक है, वो सब हमें अलग से पता चल जाता है।
लेस पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। ये जो सिस्टम है ना बुक कीपिंग रिकॉर्ड का, इसमें हर ट्रांजैक्शन के दो अकाउंट होते हैं, मतलब दो अकाउंट में रिकॉर्ड करता है क्योंकि दो जगह अफेक्ट होती है वो, ठीक है। तो हार्डली बहुत मुश्किल से होता है कि कोई भी बोल फोर्जरी मतलब जालसाजी वगैरह हो या मैनिपुलेशन अकाउंट में, लीगल अप्रूवल जो कंप्लीट रिकॉर्ड होता है ना हर ट्रांजेक्शन का वो मेनटेन किया जाता है इस सिस्टम के अकॉर्डिंग, उस स्पेसिफाइड रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तब ये जो सिस्टम होता है ये मीट करता है लीगल रिक्वायरमेंट और बुक ऑफ अकाउंट को जो मेंटेन की जाती है इस सिस्टम में, ठीक है, जो ट्रू हैं रिलायबल हैं कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग एक्ट में, ठीक है। तो ये जो अकाउंटिंग अकाउंट्स होते हैं ना अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम अकाउंट, तो ये टैक्स अथॉरिटी रिले करती हैं जो भी बुक्स मेंटेन की जाती है इस सिस्टम में। कंपैरेटिव स्टडी में यही है कि सेपरेट रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है, हर आइटम के एक्सपेंडिचर की इनकम की, तो जो मैनेजमेंट वो कंपेयर कर सकते हैं अपने खर्चे को करंट ईयर के प्रीवियस ईयर को, इनकम को करंट ईयर के प्रीवियस ईयर के साथ, और ये देख सकते हैं पी एन एल बैलेंस शीट में, ठीक है। हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में क्योंकि जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होती है वो मैनेजमेंट को आसानी से मिल जाती है, रिलायबल फॉर्म में मिल जाती है। सुटेबल होता है हर टाइप के बिजनेस मैन के लिए क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, चाहे बिजनेस छोटा हो चाहे बड़ा। लेकिन इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी, तो जो नंबर ऑफ बुक्स कैप्ट की जाती है सिस्टम में, ठीक है, तो कहता है कि ये जिस सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा बुक्स मेंटेन करने होते हैं, लाइक सब्सिडरी बुक लेजर बनाते हैं जर्नल बनाते हैं, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। जो रूल्स हम डेबिट क्रेडिट के रियल नॉमिनल पर्सनल अप्लाई करना, इसके लिए प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है, ट्रेनिंग होना जरूरी है। ओनली जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी हम वो चेक कर सकते हैं ट्रायल बैलेंस से, लेकिन है ना एरर को पता नहीं कर सकते, जैसे कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना भूल गए, ठीक है, रोंग अमाउंट रिकॉर्ड कर दी, एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब करेक्ट साइड की जगह हमने रोंग अकाउंट में लिख दी, ठीक है। कंपनसेटिंग एरर, कई बार जो एरर होते हैं वो एक दूसरे को कंपनसेट कर ले, कैंसिल कर दे ट्रांजेक्शन के इफेक्ट को, तो ये सब। लेकिन ये जो लिमिटेशन है ये सिर्फ हमारी केयरलेसनेस और इनएफिशिएंसी के कारण होती है, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं डबल एंट्री सिस्टम अच्छा है उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। तो ये हमारा टॉपिक था, थैंक यू।